हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। और क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे कहाँ से होता है, कॉस्मोस के वनलाइनर बुक से, जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, ठीक है। और आज है हमारा टेस्ट नंबर 9। और टाइम क्या है, टाइम है डेली 7:30 मॉर्निंग में, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है। जुगनू चमकता है, आप देखते हो रात में, आपको देखने में बनता है ये जुगनू की चमक। आपको बताना है किस एंजाइम के कारण जुगनू का चमक जो है वह होता है, किसके कारण होता है, ल्यूसीफेरस के कारण, ठीक है। ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जुगनू में चमक होता है। अगला क्वेश्चन है, सन हेम्प जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। सन हेम्प जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। सन हेम्प, आप ये टर्म में मत जाओ, जूट पौधे से आप जानते हो सन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है वो सन किस भाग से प्राप्त किया जाता है, जैलम, फ्लोएम, फल, पत्ती, तो किससे किया जाता है, फ्लोएम से। वह उस पौधे के तने का फ्लोएम होता है, जिसको हम लोग सन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जीवाश्म के अध्ययन को। पहले भी मैंने ये बताया हुआ है, जल्दी बताओ, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म के अध्ययन को प्लेंटोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लेंटोलॉजी, ठीक है, प्लेंटोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को प्लेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी पाया जाता है। मानव शरीर के किस भाग में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका ये पाया जाता है, आपको ये बताना है किस भाग में पाया जाता है। ये आंत में पाया जाता है, हमारे शरीर में, आंत में यानी इंटेस्टाइन में एंटी अमेबा हिस्टोलेटिका नामक परजीवी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ पौधों के किस भाग पर जमा रहता है, तो ये जाइलम उत्तक पर जमा रहता है, ठीक है। जाइलम उत्तक पर क्या जमा रहता है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरिका जेंथिन के कारण, किसके कारण, कैरिका जेंथिन, ठीक है, कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ किस रूप में पाया जाता है। कवक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, कवक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी आपने ये पढ़ रखा है, किस रूप में रहता है, आपने पढ़ा है सेलुलोस, सॉरी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कवक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने पर मच्छर नियंत्रित रहता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर,
आंसर होगा गैम्बूसिया फिश। ठीक है, गैम्बूसिया फिश, ठीक है, मछली। गैम्बूसिया फिश को अगर तालाबों में या कहीं पे भी जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ पे अगर इसको डाल दिया जाए तो मच्छर उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ईस्ट जो होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें जाइमेस एंजाइम पाया जाता है, जाइमेस। ठीक है, जाइमेस एंजाइम आपको मुख्य रूप से किसमें मिलता है? ईस्ट में मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व तो सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके प्रथम महानिदेशक कौन हुए? कौन हुए? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ आंसर करना होगा, नहीं तो यहां पे भी आप गलती करते हो। यहां पर भी बहुत लोग जॉन मार्शल आंसर करते हैं, लेकिन जॉन मार्शल क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, और यहां पे पूछा जा रहा है आपसे भारतीय पुरातत्व का जनक, तो यहां पे गलती मत करना। इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है इनका नाम? इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इनको कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, वहीं पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? पेबल उपकरण, पेबल टूल्स, ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसमें से आपको बताना है किस काल से संबंधित है पेबल उपकरण। तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, किस काल से माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? आखेटक जानते हो? आखेटक मतलब शिकार जो मानव लोग करने लगा खाने के लिए, और खाद्य का संग्राहक के रूप में यानी भोजन को स्टोर भी करने लगा। तो ये एक्टिविटीज मानव के अंदर कब आया, किस काल में आया? मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक के अवस्था किस काल से जुड़ी है? ये पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है, पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल से ये अवस्था जुड़ी हुई है। और अगर आपसे बोला जाए कि मानव ने कृषि किस काल में स्टार्ट किया यानी खेती कब प्रारंभ किया, वह एक जगह रहने कब कब से लगा, तो ये नवपाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ था? होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ था? तो उच्च पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी काल को पूरा पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? पहले जहां पे क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था उसके स्थान पर जेस्पर, चर्ट इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल कब चालू हो गया? कब चालू हुआ? तो मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में ये चालू हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अग्नि का उपयोग सर्वप्रथम मानव ने कब सीखा था? अग्नि का उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किस काल में सीखा था? तो अग्नि का उपयोग करना मानव ने नव पाषाण काल में सीखा था, नव पाषाण काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कपास का भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कहां से हुआ है? सराय नाहर राय जगह से, ठीक है, सराय, सॉरी, क्या है जगह का नाम? जगह का नाम है सराय नाहर राय, ठीक है, यहां से हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज हो कहाँ स्थित है? बुर्ज हो नहीं होगा, बुर्ज होम होगा, ठीक है, ये एक साथ है पूरा, बुर्ज होम। तो अब आपको बताना है, नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है जहां से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये बुर्ज होम कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि आपको जगह दे दिया जाएगा जो भी पौराणिक है और आपसे पूछा जाएगा कहाँ है वो, तो ये कश्मीर में, ठीक है, कहाँ है ये कश्मीर में है बुर्ज होम, जहां से कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त अधिकारी बाजार निरीक्षक किस विभाग का अधिकारी होता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार निरीक्षक। देखो मैंने क्या बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग डिपार्टमेंट नियुक्त किया था बाजार से रिलेटेड, अब आपको सारा एक ही जैसा लगेगा लेकिन है ये अलग अलग, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के नियंत्रण के लिए चार अलग अलग विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था बिदरे मंडी, सहनाए मंडी, दीवाने रियासत और मन्नयान, ठीक है, ये चार अलग अलग विभाग हैं, इसके अधिकारी भी अलग अलग होते थे। तो बाजार निरीक्षक किस विभाग का अधिकारी होता था? तो बाजार निरीक्षक जो होता था वह बिदर ए मंडी का अधिकारी होता था, किसका, सॉरी बिदर नहीं, बरीद, बरीद ए मंडी, ठीक है, बरीद ए मंडी का अधिकारी कौन होता था? ये होता था बाजार निरीक्षक। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नियुक्त अधिकारी बाजार अधीक्षक किस विभाग का अधिकारी होता था? देखो बस थोड़ा सा अंतर है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गलत कर बैठोगे। ऊपर पे क्या था? बाजार निरीक्षक, और यहां पे है बाजार अधीक्षक। अब ये जिसको याद है वही कर पाएगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम में गलती कर दोगे। तो बरीद ए मंडी,
इसका जो हेड है उसको बाजार निरीक्षक कहा जाता था, और बाजार अधीक्षक जो है यह सहना ए मंडी का अध्यक्ष होता था। सहना ए मंडी, ठीक है, सहना ए मंडी का जो अधिकारी होता था उसको बाजार अधीक्षक कहा जाता था। और बाजार नियंत्रक अगर आपसे पूछा जाए, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, बाजार नियंत्रक ये होता था दीवाने रियासत का अधिकारी, ठीक है। और गुप्तचर विभाग था मनयान, ठीक है, जो गुप्तचर के तौर पे काम करता था और आखिर सारा खबर देता था उसको मनयान विभाग कहा गया। ये चार विभाग बाजार से संबंधित है और ये चारों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण, अच्छा ये तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई, किसके द्वारा किया गया? अगर ये आपसे पूछा जाए तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, लिख देता हूं, क्लियर ही हो जाएगा आपका, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, ठीक है। इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? यहां पे ये भी नोट कर लो, गाजी मलिक, ठीक है। आपसे गाजी मलिक पूछा जाए तो वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था, यह आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अब यहां पे भी आप गलती करोगे, यहां पे सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ किसने किया था, मैंने यहां पे यह क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या है ऑप्शन। तो प्रथम सुल्तान ऐसा काम करने वाला था गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन था ऐसा काम करने वाला प्रथम इंसान, प्रथम सुल्तान आपका जो दिल्ली सल्तनत में आया, ठीक है। लेकिन नहरों के लिए फेमस कोई और है, वो आपको पता होना चाहिए कौन है, आप सभी मुझे कमेंट में बताओ वो सुल्तान जो नहरों के निर्माण के लिए फेमस था। लेकिन यहाँ पे है कि आरंभ किसने किया था, ठीक है, बस एक टर्म पे आप अटक जाओगे जाके, ये आरंभ किया था गयासुद्दीन ने, लेकिन बहुत अधिक फेमस कौन हुआ सल्तनत काल में, ये आप सभी मुझे कमेंट में आंसर में बताओ। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का संबंध किस सूफी संत के साथ अच्छा नहीं था? ये नहीं वर्ड आपके एग्जाम में थोड़ा सा आपको परेशान करता है और आप कई बार जानते हुए भी गलत आंसर करते हो। तो गयासुद्दीन तुगलक का संबंध किस सूफी संत के साथ अच्छा नहीं था? तो निजामुद्दीन औलिया, नाम आपने सुना है, भले ही ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। क्या नाम है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। ये एक ऐसे सूफी संत हुए जिनके साथ गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट भी आप जानते हो लेकिन शायद ये आपको ना पता हो कि ये किसने कहा था। दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूरस्थ, एक्चुअल में ये वर्ड था, दिल्ली अभी दूर है, ये औलिया साहब ने ही कहा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। एक्चुअली में ये हुआ क्या था, बंगाल अभियान से जब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था, ठीक है, उसी टाइम में उसने आदेश दिया था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे, ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया है, इसको आदेश दिया गया था कि वह बंगाल अभियान के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो उससे पहले ही ये दिल्ली को छोड़ दे। तो उसी बात पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि साहब दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? पूरे दिल्ली सल्तनत का अगर बात करें तो सबसे अधिक विद्वान सुल्तान कौन था? एमबीटी। अब ये एमबीटी कौन है, तुमसे अच्छा कौन जानेगा इसको? मोहम्मद बिन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था, जिसने सबसे बड़े बड़े कांड किए और सबका क्या बोलते हैं उसको, सब चीज खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कृषि के विकास हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से एक नया विभाग स्थापित किया था? सोचा तो इसने बहुत बड़ा बड़ा चीज, लेकिन बेचारा कर नहीं पाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी, आपको बताना है उसका नाम क्या था, उस विभाग का नाम क्या था? तो उस विभाग का नाम था अमीरे कोही। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? अमीर ए कोही, ठीक है? अमीरे कोही। देखो मैं बार बार बोलता हूं, अगर यहां पे वनलाइनर में आप आंसर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, आप अभी सीखो, ठीक है? अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो, और दोबारा आप फिर से लगाओ। अगर एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे अगर आप पढ़ना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो एक बार आप देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार आपको देखना है आप देख के याद कर लो, ठीक है? और उसके बाद फाइनली एक बार लगाओ, जब आपको मेरे आंसर देने से पहले आंसर करना है। और स्पीड हमेशा, जब दो बार से अधिक आप देखा करो तो स्पीड हमेशा 2x पे या 1.5x पे रखा करो, ताकि जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए। 30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में आपका कवर हो जाए, लेकिन तभी वो आप करो जब आपको सारा आंसर आ रहा हो, ठीक है? और मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आपका जो ये सेशन है वो फ्रूटफुल होगा। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अब देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इब्न बतूता और अलबरूनी ये सब हमेशा पूछा जाता है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हो एग्जाम में, अब हर कोई तो कंफ्यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने पढ़ाई की है, बस एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको अगर पर्टिकुलर चीज याद है ना, यहाँ पे आप आंसर कर लेते हो, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, एमबीटी के साथ, ठीक है? इब्न बतूता किसके साथ आया? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सल्तनत के किस सुल्तान के काल में हुआ था? अब यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अब आपको लग रहा होगा कि किसने किया था ये पूछा जाएगा, वो नहीं पूछा गया है। ये तो सभी जान रहे हो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, लेकिन आपको बताना है कि जब इसकी स्थापना हो रही थी उस वक्त सुल्तनत में कौन सुल्तान था, ये आपको बताना है कौन था उस वक्त। तो हरिहर बुक्का ने 1347 1336 ईस्वी में, कब इसकी स्थापना हुई थी ये भी ईयर भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा दूसरा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में, और इस वक्त कौन था, ये एमबीटी ही था, ठीक है? तो आप थोड़ा सा यहां से याद रख सकते हो कि एमबीटी के टाइम में सिर्फ विजयनगर ही नहीं, एक और साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है? अब उस साम्राज्य के बारे में भी मैं आगे पूछ रहा हूं, तो ये दो साम्राज्य है जिसको आपको याद रखना है। एमबीटी के टाइम में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ये अलग हो चुका था, यानी इससे टूट चुका था। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरिहर बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर बुक्का दो भाई था जिसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1347 ईस्वी में किसने विद्रोह कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की? यही मैं बोल रहा था ऊपर कि दो साम्राज्य हुआ, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सल्तनत से अलग होके एक स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है?
तो विजयनगर साम्राज्य का तो आपने सब चीज़ देख लिया, अब बताओ बहमनी साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी, हसन गंगू, ठीक है, हसन गंगू ने की थी। लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा आपसे गलती करवाया जा सकता है, क्योंकि इस हसन गंगू का जो पूरा नाम था वह था अलाउद्दीन हसन गंगू। अब अगर अलाउद्दीन दे दिया जाए तो सभी कंफ्यूज करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन 60% बच्चे जरूर इसमें कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि बुक में भी बहुत कम जगह अलाउद्दीन लिखा रहता है, डायरेक्ट हसन गंगू लिखा रहता है। लेकिन एग्जाम में अगर अलाउद्दीन दे दिया जाए तो आपको थोड़ा सा डाउट जरूर होगा, और वहां पे आपका डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप याद रखो इसका पूरा नाम अलाउद्दीन हसन गंगू, यह है उसका पूरा नाम जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किस हिंदू त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था? हिंदू का एक त्यौहार था, उसमें इसने भाग लिया, और ऐसा करने वाला ये सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ था। तो वो कौन सा त्यौहार था? वो था होली, होली में इसने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? किस अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई? तो सिंध अभियान के दौरान, सिंध अभियान के दौरान, ठीक है, कब हुआ था? 1351 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज आपने सारा चीज पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लोक विभाग की स्थापना की थी, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, टोपरा था मेरठ से दो अशोक स्तंभ किस शासक ने दिल्ली लाया था? टोपरा था मेरठ से दो अशोका स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लाया था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में? तो फिरोज शाह तुगलक में। अब तुक्का मत लगाना, फिरोज शाह आंसर हो रहा है तो सबका आंसर कर देते हैं फिरोज शाह, तो फिर आपको सीख नहीं पाओगे, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे अधिक गुलाम हुए सल्तनत काल, 1 लाख से अधिक गुलाम था इस वक्त। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, जजिया कर पहले से चला आ रहा है लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना चालू कर दिया, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हक ए सर्व, क्या नाम था? हक ए सर्व, ठीक है, ये था सिंचाई कर का नाम जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहां पे आप तुगलक वंश भी आपका अंत हो गया, अंतिम शासक बताओ कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद, ये था सुल्तन सॉरी तुगलक वंश का अंतिम शासक, ठीक है, सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक।
अच्छा, फिरोज शाह के टाइम में कुछ एक दो इम्पोर्टेंट विभाग है जिसका आपसे नाम पूछा जाता है, जैसे दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान आगे के क्वेश्चंस में अगले किसी दिन में पूछ लूंगा, आज बता देता हूँ, इसको याद रखना। दीवाने बंदगान यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको कर पाओ। दीवान ए बंदगान, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक था, दूसरा है आपका दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, और एक और विभाग था जिसका नाम था दीवान ए खैराज। दीवान ए खैराज या खैरात, ये दो टर्म, दो वर्ड आपको मिल सकता है। तो दीवान या बंदगान, नाम से ही आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। बंदगान, बंदगान, बंदी नजर आ रहा है, ठीक है। तो दासों के देखरेख के लिए एक विभाग की स्थापना हुई थी। दीवाने इस्तिहाक, इस्तिहाक तो हक यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हक से रिलेट आप कर सकते हो। पेंशन देने का ये विभाग था, ठीक है। दीवाने इस्तिहाक किसके लिए था, ये पेंशन के लिए था, क्लियर। और दीवाने खैराज, और मैंने वो बताया कहीं कहीं आपको दीवाने क्या मैंने बताया था अभी, दूसरा वर्ड खैरात, ठीक है। तो हम लोग खैरात में किसको देते हैं, कुछ भी, खैरात यानी फ्री में दे देना कुछ भी। किसको देते हैं, जो असहाय होता है, जिसको हेल्प की जरूरत होती है, तो असहाय लोगों की मदद के लिए दीवाने खैराज की स्थापना की गई थी, असहाय लोगों के लिए, ठीक है, असहाय लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तीन विभाग है जिसका स्थापना फिरोज शाह ने किया था। आपसे क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है ना, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज शाह ने किया था, फिरोज शाह ने, ठीक है। ये तीन चार क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था, यानी अंग्रेजों ने हम पर शासन करना कब से चालू कर दिया, ये आपको बताना है। अंग्रेजों ने हम पर वास्तविक रूप से शासन करना कब से चालू कर दिया था, तो कब से चालू किया था, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी कर पाओगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। तो ये है, अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं, 1857 होगा, 1757 होगा, क्या होगा, तो सही आंसर है 1765। इतना टाइम मैंने दिया फिर भी आप सही आंसर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। तो अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण, अब यहाँ पे अंग्रेज के जो क्वीन हुए या किंग हुए, आपसे वो नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ अंग्रेजों ने भारत पर वास्तविक शासन कब से चालू किया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1765 का इलाहाबाद का जो संधि था, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद के संधि के बाद एक्चुअल में राजनीतिक नियंत्रण जो है वह अंग्रेजों के हाथ में आ गया था भारत का। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने लागू किया था, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, और समाप्त किसने किया था और कब किया था। तो द्वैध शासन समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त किया था, और कब किया था ये भी आपको बताना है, कब किया गया था। तो 1776
तिहत्तर में, 1773 में जब रेगुलेटिंग, 1773 नहीं 1772, सॉरी 1772 में किया था। और 1773 में क्या आया था, 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है यहाँ पे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी। ठीक है, यानी न्याय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। और इसके पहले कौन थे न्यायाधीश, ये आपको बताना है। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन हुए? कौन हुए थे? ये थे एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा। अब वारेन हेस्टिंग्स चल रहा है तो सब में वारेन हेस्टिंग्स मत लगा देना। पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कर्न वालिस को माना जाता है। ठीक है, कॉर्न वालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्न वालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय आईपीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? प्रथम आईपीएस, आईपीएस नहीं आईसीएस बोलो, आईसीएस जो क्वेश्चन यहां पे मैं पूछ रहा हूं जिस संदर्भ में, वो आईसीएस है। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज उस वक्त होता था। तो प्रथम आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसको प्राप्त है? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये थे भारत के प्रथम आईसीएस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो कौन सा आयोग था? वो था ली आयोग, ली कमीशन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ली कमीशन का संबंध किससे था? सिविल सर्विसेज से। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान का सुझाव दिया गया था ली आयोग के द्वारा। इतना अगर आपको याद नहीं रहता है तो कीवर्ड याद रखो कि सिविल सर्विसेज से संबंधित था ली आयोग। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।